Good evening, sir. But thank you, sir. Vivek Prakash. जी सर. आप मेटलर्जी में इंजीनियर? जी सर. अच्छा, इतना ड्रास्टिक ड्रॉप कैसे हो रहा है मार्क्स में, परसेंटेज में? 95%, 85%, 59%. यस सर. इसका मैं पहला कारण मानता हूँ कि अचानक से मैं ग्रामीण परिवेश में जो स्कूलिंग हुआ है मेरा, तो वहाँ से जाने के बाद इंग्लिश मीडियम अचानक से चेंज होना, और दूसरा रीजन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे एक कंप्यूटर जो है मेरा नहीं, मैंने पहली बार वहाँ पढ़ाई की थी. अच्छा, आफ्टर उसके बाद आप कंफर्टेबल थे उसमें? जी सर, फर्स्ट ईयर के बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था. जी सर. ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग में करियर नहीं बनाना चाहते अपना? सर, मैंने कोशिश की थी उसमें, लेकिन कोविड के टाइम उसके बाद से जो है मुझे जॉब छोड़ना पड़ा. कहाँ जॉब कर रहे थे आप? सर, मैं एक मेडकन कंसल्टेंसी था, तो उसमें मैंने लगभग 1.5 साल जॉब किया था. अच्छा, भारत में जो स्टील का सेक्टर है, जी सर, उसमें भारत की क्या स्थिति है? सर, भारत जो है वर्ल्ड में 2nd नंबर पे जो है स्टील प्रोड्यूस करता है सर. और इसमें पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर, इसमें मैं पब्लिक सेक्टर कहता हूँ, जैसे कि सेल है, सेल के अंतर्गत में 4 प्लांट आते हैं नॉर्मली, जैसे बोकारो स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, तो इनका लगभग 120 बिलियन के अराउंड मेट्रिक टन ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं सर अभी. अच्छा, और उत्तर प्रदेश में भी कोई स्टील इंडस्ट्री है? सर, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा स्टील इंडस्ट्री नहीं है सर. किस तरह की इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में? सर, उत्तर प्रदेश में जो है सोनभद्र में सिंगरौली जो जिला है वहाँ पे जो है कोल इंडस्ट्री. कोल? जी. और पीलीभीत में सर कुछ जैसे मैंगनीज के हो गए, ऐसे इंडस्ट्रीज छोटे छोटे हैं सर. इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपको कराना हो उत्तर प्रदेश में? जी सर. अपने क्षेत्र में अगर प्रशासक बन जाए अपने क्षेत्र में, तो क्या 3-4 कदम क्या उठाएंगे? सर, अगर मेरे क्षेत्र में जैसे कि मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मौका मिलेगा, तो सबसे पहले मैं शुगर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो मिल्स हैं वो पहले काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस कर पा रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि मिल्स का जो है एडवांसमेंट ना हो पाना, तो वो ठप हो गया है काम अभी पूरा, और प्रोडक्शन भी काफ़ी डाउन हो चुका है सर वहाँ पे, तो पहले मैं वो करना चाहूँगा. और कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है? सर, MSME इंडस्ट्री लग सकती है सर, जैसे कि बलिया का जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है बिंदी, जिसको लोकल भाषा में जो है टिकुली कहते हैं, तो उसका प्रोडक्शन जो हम वहाँ पे कर सकते हैं बड़े लेवल पे. और दूसरा जो है वहाँ पे सर एक मेला लगता है सर, ददरी मेला बलिया में, तो सर उसमें जो हस्तशिल्प है उसका जो है एक्सपोजर एक नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, तो इसलिए जो है वहाँ के हस्तशिल्प या फिर जो लोकल प्रोडक्शन है सर बलिया के, वो वहाँ पे एक्सप्लोर हो. स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फोकस करेंगे? जी सर. राइट? यस सर. भारत सरकार की कोई नीति है MSME पर? यस सर, भारत सरकार की नीति इस पे काफ़ी रही है सर. क्या है नीति में, कुछ 2-3 बात बताइए. सर, इसमें जो है मेन फोकस किया गया है कि जो ग्रासरूट लेवल पे, जैसे कि एक सर अभी ध्यान नहीं आ रहा सर, सॉरी सर. ये बताएं कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कोई अपने एरिया में जो कोई सक्सेसफुल गवर्नमेंट की स्कीम हो उसका नाम बता सकते हैं? जी सर. सर, वहाँ पे जो है PM जो है ग्रामीण सड़क गारंटी योजना जो था बेसिकली, उसका कनेक्टिविटी इवन 5 से 6 साल पहले सर वहाँ पे गांव में जो है रोड बन पाया सर, तो ये मैं मानता हूँ कि ये स्कीम मुझे घरों तक तो एज अ सिविल हेड ऑफ सब डिवीजन आपको इस स्कीम को इवैल्यूएट करना है. जी सर. तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, जरा बताएं. सर, एज अ सिविल हेड सबसे पहले मैं जो दोआब रीजन है बलिया का, तो अक्सर क्या होता है कि सर बाढ़ आने की वजह से वहाँ पे जो सड़क बनती है, तो वो जैसे बनता है फिर वो टूट जाते हैं, तो उन सड़क का मैं ये कहूँगा कि उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए. जैसे एक पीपा पुल का एक कंसेप्ट आता है, जिसमें कि वो पानी में भी वो जो है पुल सर्वाइव कर जाती है, तो इस तरह के रोड मैं बनाने का जो है प्रॉपर वहाँ पे व्यवस्था करना चाहूँगा. और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि जो एरिया हमेशा जो है पानी की वजह से सबमर्ज हो जाता है, तो एम्बैंकमेंट में मैं ज़्यादा फोकस करने की सर कोशिश करना चाहूँगा कि एम्बैंकमेंट को और बेहतर बनाएं. जो अभी जब मैंने आपसे पूछा कि सक्सेसफुल जो स्कीम है उसको इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएशन तभी होगा जब वो ऑलरेडी काम हो चुका है. जी सर. एक पर्टिकुलर बजट में एक काम हुआ है,
तो जहां काम हुआ है आप वहां जाके एवेल्युएट करेंगे, जो फ्यूचरिस्टिक है वो तो आगे की प्लानिंग होगी। जी सर। तो फिर से मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ कि जो ऑलरेडी इस स्कीम का वो इवेल्युएट कैसे करेंगे? सर मुझे इवेल्युएट करना होगा तो सबसे पहले मैं जो है वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं देखूंगा कि क्या वाकई में जो बने हैं रोड वो उतने ज़्यादा क्वालिटी गुणवत्ता युक्त हैं या फिर जो कनेक्टिविटी लास्ट माइल तक है या नहीं, फिर मैं सर उसमें जो है अपना क्रिएटिव जो है कुछ करना चाहूँगा। इवेल्युएशन के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, सपोज आपको 100 किलोमीटर बनाना है, वो कहाँ बना है या बना कि नहीं बिना, आपको वो देखना है। बिल्कुल सर। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्टिव था कि ड्यूरिंग दिस ईयर सारे गांव को हमको कनेक्ट करना है, तो फिर आप देखेंगे कितने गांव कनेक्ट हुए। तो इस तरह से आप एक इंजीनियर है, इवेल्युएशन तो इस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल। और आप जो कहना चाह रहे हैं वो है फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कि कहाँ पे दुआब में पानी आ गया, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग स्कीम को और आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यस सर। ये बताएं कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या गुण होने चाहिए? सर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए और सर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ओके। ये बताएं कि डेमोक्रेसी में जैसे आप सिविल हेड हैं तो मीडिया को कैसे हैंडल करेंगे, उनका मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? सर एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो गया तो यहाँ पे हम जो है मीडिया के माध्यम से ही उसको सर्कुलेट कर सकते हैं तुरंत। अगर कहीं दंगा हुआ तो हम कोई गलत मैसेज ना पहुँचे तो इसके लिए हम तुरंत एक छोटा वॉइस मैसेज बना के भेज सकते हैं कि ये रियलिटी ये है, लेकिन हम मीडिया पर आप लोग बन जाइए, तो ये मैं इसका कर सकता हूँ यूज़। दूसरा, मैं जो भी स्कीम्स हैं उसका मैं पब्लिसिटी या फिर जो गवर्नमेंट का जो रियल एजेंडा है वो मैं बता सकता हूँ सर एज अ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर। और जो पब्लिक के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनको मिलना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। ओके। विवेक, आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। जी सर। उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये डीप फेक्स क्या है? सर डीप फेक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भी फेक इमेजेस बनाए जाते हैं और या वीडियो भी बनाए जा सकते हैं सर इसके माध्यम से, और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली जो इसका मिसयूज किया गया था, अभी एक एक्ट्रेस थी रश्मिका मंदाना, तो उनके केस में जो है ये बेसिकली आया था केस ये। तो ये इसका जो है मैं देखता हूँ कि सर डीप फेक जो है काफ़ी मिसयूज देखने को मिला है सर। तो इसका कोई है तरीका? जी सर, इसका सोल्यूशन में ये है कि पहले चीज़ कि हम जितने भी इस तरह के डीप फेक टेक्नोलॉजी है इसमें जो है लेयरिंग सर की जाती है, जैसे प्रोटेक्शन की लेयरिंग होती है, तो इसमें जैसे ही कोई डीप फेक अगर कोई इमेज या वीडियो आएगी तो वो पहले ही इंटरनेट पे अपलोड होने से पहले वो फिल्टर हो जाएगा सर। तो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है हमारे पास सर? अभी फिल्टरिंग मैकेनिज्म है सर, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट अभी सर बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा, तो इसमें क्या रुकावट कहाँ आ रहा है? फेक वाले कह रहे हैं कि डीप फेक को केवल अलग करो, फेक चलने दो, क्या है सर? थोड़ा फेक तो चलेगा, डीप फेक को रोक दो, क्या है सर? डीप फेक बिल्कुल एकदम रियलिटी रियल के जैसा लगता है। हाँ। तो सर अभी ये टेक्नोलॉजी अभी पॉपुलर नहीं हुई है सर बेसिकली, और कॉस्टली भी है मे बी। मैंने प्रधानमंत्री को सुना है 2-3 बार कहते हुए जी, परेशानी में कहते हैं ये बात। यस सर। ये कंसर्न भी है सर, इसमें जो है आईटी रूल के तहत बेसिकली ऐसी चीजों पे सर रोक लगाने की जरूरत है सर। रोक लगाने की जरूरत है। अच्छा, और सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सर जो सुपर कंडक्टर होते हैं बेसिकली ये उनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी जो है तीव्र होती है, जैसे कि हम सुपर कंप्यूटर हैं सर इसमें हम यूज़ करते हैं, क्वांटम इसमें मैकेनिक्स लगता है सर बेसिकली, इसके तहत जो है जो भी डेटा ट्रांसफर होगा स्पीड उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमारी स्थिति क्या है सुपर कंडक्टर्स में, चूँकि क्वांटम कंप्यूटिंग में वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और उधर उसके बारे में काफ़ी हम लोग संभावना के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भारत उसमें आगे हो सकता है। यस सर। तो सुपर कंडक्टिविटी में एज ए कंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं? सर एज ए कंट्री मैं बात करूं तो भारत जो है जैसे विकसित कंट्रीज है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, फिर चाइना हो गया, इन सब कंट्रीज के बाद ये भारत का जो है नंबर आता है एक सुपर कंप्यूटर में। जैसे कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर है अभी सुपर कंप्यूटर नहीं सुपर कंडक्टिविटी जी सर, सुपर कंडक्टिविटी जो है भारत की, सुपर कंडक्टर्स हम बना रहे हैं जी सर, सुपर कंप्यूटर हमारे पास हैं भारत में जो है सुपर कंप्यूटर हैं सर। सर ने पूछा एक सवाल कि सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंप्यूटर के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। क्या एडवांटेज है सुपर कंडक्टिविटी अगर हो जाए तो क्या होगा एडवांटेज?
सर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं मानता हूँ कि बिग डेटा एनालिसिस में जो इसका यूज कर सकते हैं। बिजली का बिल जीरो हो जाए। ओम्स लॉ पता है? यस सर। रेजिस्टेंस जीरो कर दो तो जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू आईआर। यस सर। अच्छा अच्छा, मेटलर्जी में लिथियम काफी न्यूज में है। जी सर। क्यों है न्यूज में? सर लिथियम से जो है बैटरी बनाने का जो स्कोप अभी काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके लिए जो है भारत ने जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज हैं इनसे जो है अभी टाई अप किया है और इसमें जो है लिथियम कैसा माना जाता है कि जितनी भी रिसेंटली अभी जो आयनिक लिथियम बैटरीज बन रही हैं वो टिकाऊ भी हैं और आने वाले टाइम में एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं सर। और इसका डिस्पोजल कैसे करेंगे लिथियम आयंस का? जी सर, इसका डिस्पोजल के लिए अभी कोई इंडिया के पास उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो जापानीज टेक्नोलॉजी है या फिर यूएसए में जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात की जा रही है सर। We will cross the bridge when it comes. जी सर। अभी सोचा नहीं? नहीं सर, अभी इंडिया प्रोग्रेस में है सर, प्रोग्रेसिव है, उस पे काम चल रहा है सर, रिसर्च भी चल रहा है इसमें। तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो एनर्जी ट्रांजिशन हम कर रहे हैं एज ए कंट्री, जी सर, हमारा फोकस लिथियम आयन बैटरीज की तरफ होना चाहिए या हाइड्रोजन सोर्स्ड इलेक्ट्रिसिटी या पावर? सर एज ए इंडियन रिसर्चर मैं तो ये कहूंगा कि हमारा फोकस दोनों पे होना चाहिए, लिथियम बैटरी पे भी होना चाहिए और हाइड्रोजन जो हमारा सोर्स है उस पे भी होना चाहिए। लिथियम पर करेंगे तो फिर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। सर भारत में भी लिथियम के भंडार हैं, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे कुछ भंडार मिले हैं लिथियम के, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है सर, लिथियम थोड़ा चीप पड़ेगा, इसलिए जो है दोनों यूज़ कर सकते हैं। और हाइड्रोजन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी नहीं सर। तो फिर क्यों, फिर जब सब कुछ फायदे सर उसकी टेक्नोलॉजी, तो फिर टेक्नोलॉजी कॉस्टली है सर, जो हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, अभी भारत के पास उतनी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, इस पे रिसर्च अभी चल रहा है सर। किस देश के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है और वो आगे बढ़ता जा रहा है हाइड्रोजन सोर्सिंग ऑफ एनर्जी के? सर रिसेंटली जो अभी जैसे अमेरिका को देखें या फिर फ्रांस में भी देखें तो ऐसे कई सारी, चीन को भी देखें सर, तो वो बसें चला रहे हैं सर, हाइड्रोजन बसें, तो वो टेक्नोलॉजी भारत भी लाने की कोशिश कर रहा है सर। नहीं सर, टेक्नोलॉजी से सीखने के लिए सर। ओके ओके, ये बताइए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का क्या फ्यूचर है वर्ल्ड में? सर वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं तो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी सर, जैसे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाएंगे, और इंडिया ने जो इसके लिए फेम योजना लॉन्च किया है तो फिर ये क्यों नहीं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अमेरिका में भी आगे नहीं बढ़ रहा है? जी सर, लेकिन इसका जो मेन रीजन है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो स्कोप भारत के पास जो है, जैसे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भारत में है इनसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक नया बूम आ जाएगा, और भारत के पास लिथियम बैटरी भी ना होने की वजह से ये भी ज़्यादा अच्छे लेवल पर नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, और चार्जिंग पॉइंट भी सर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास भारत में कम है सर अभी। अमेरिका में क्या प्रॉब्लम? अमेरिका में भी जो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है सर? अमेरिका में सर उतना मुझे आइडिया नहीं है सर। अच्छा ये डीप फेक तो है, डीप स्टेट क्या होता है? सर ये डीप स्टेट, सॉरी सर मैं इसके बारे में। ओके, अंतिम मुझे बताइए, अभी आप सुपर कंडक्टर की बात कर रहे थे, अगर कंप्यूटर में यूज करते हैं सुपर कंडक्टर, कोई एक एग्जांपल दीजिए सुपर कंडक्टर का। सर सुपर कंडक्टर में अभी ध्यान नहीं आ रहा सर ऐसे ना। अच्छा, खैर तो सुपर कंडक्टर बनाने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर सही होता है? जी सर। राइट जी, विच इज बिलो जीरो? जी सर, माइनस जीरो से कम। अगर हम सुपर कंप्यूटर बनाते हैं यूजिंग सुपर कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, यस सर, इट विल जनरेट हीट? जी बिल्कुल। क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? सॉरी सर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Make your overall good, quite good. अच्छा आंसर भी दें, कॉन्फिडेंट भी हो। एक दो जगह ऐसा लगा है कि जैसे क्वेश्चन पूरा हुए बिना स्टार्टेड आंसर। अच्छा ठीक, उसको थोड़ा सा पूरी बात सुनना है उसके बाद जवाब। हाँ हाँ ठीक, जल्दी जल्दी क्यों, हरी में क्यों? इसी बात पर मैं पूरा नहीं सुन है ना, थोड़ा स्लो बोलना है, पॉज लेकर इंटरव्यू को जल्दी से क्यों खत्म करना है? जब बोर्ड को जल्दी नहीं है आपको क्यों जल्दी? व्हाई यू आर हरी, है ना, तो थोड़ा पॉज लेके बोलना है, बाकी आंसर सब अच्छे हैं।
सर सुपर कंडक्टर में थोड़ा फंस गया था मैं। कोई बात नहीं, इतना सुपर कंडक्टर हो सकता नहीं भी पूछा जी, तो यहाँ बोल दिया गया होगा, कोई बात है ना, बाकी ओवरऑल ठीक है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा है विवेक, अच्छी तैयारी है तुम्हारी, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर वेल रेड, इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग विद यू, इसी टेम्पो को बनाए रखिए, एकदम धनाधन बिल्कुल निकाल लेंगे आप। कब है इलेक्शन से निकाल? सर 12 को है सर, मैं लास्ट दिन। बढ़िया, बहुत आराम, बहुत अच्छा, नथिंग टू बी वरीड, कोई चिंता की बात नहीं, थोड़ा सा स्लो बोलो, पॉज लिखे। हाँ थोड़ा स्लो, ओके, सब कुछ बढ़िया है, पॉजिटिव, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, ये मिल जाएगा बाहर।